हेलो गाइस, वेलकम टू माय सुजीत एकेडमी। टुडे वी आर गोइंग टू फिनिश द लास्ट पार्ट ऑफ द नॉन पेरिस्टल। लेट्स स्टार्ट नाउ। अ वुमन्स काउंसिल इज सो ऑफन कोल्ड। बुरा ना माने, यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि वुमेन की जो सलाह होती है वो प्रायः ऑफ्टन कोल्ड होती है, यानी उसमें कोई दम होता नहीं है। या फिर क्या होता है, अ वुमन्स काउंसिल ब्रॉट अस फर्स्ट टू वो पैराडाइज का उदाहरण लेके बोलते हैं। पैराडाइज कौन सा? बाइबल में आपने पढ़ा होगा या ये स्टोरी जानी होगी कि फर्स्ट पैराडाइज में, पैराडाइज का जो गार्डन था उसमें एडम और ईव रहते थे, और ईव ने एडम को कहा था पैराडाइज का एक फल खाने, जिसका नाम कहा जाता है एप्पल है, और भगवान ने मना किया था कि अगर आप इसको खाओगे तो बहुत ही बुरा होगा, लेकिन फिर भी वो रिक्वेस्ट की और एडम ने वो फल खा लिया। इसी आधार पर उन्होंने एडम और ईव को भगवान ने पैराडाइज से बाहर निकाल दिया, जिसके कारण सारी मानव जाति आज कष्ट भोग रहे हैं। इसी बात को लेकर चर्चा करते हैं कभी। कहता है वुमन्स काउंसिल ब्रॉट अस फर्स्ट टू गो, कि एक औरत की जो सलाह होती है सबसे पहले हम लोग को कष्ट पहुंचाया। मेड एडम आउट ऑफ पैराडाइज टू गो, और उसके कारण ही पैराडाइज से एडम को बाहर निकलना पड़ा। वेयर ही हैड बीन सो मैरी सो वेल एट ईज, जहाँ पर वो काफ़ी खुश था, काफ़ी आराम से जिंदगी उसकी कट रही थी। बट फॉर आई नो नॉट हुम इट मे डिसप्लीज, लेकिन फिलहाल कवि कहते हैं कि मैं नहीं जानता कौन से लोग मेरी कथन से डिसप्लीज हो जाओगे, नाखुश हो जाएंगे। इफ आई सजेस्ट दैट वीमेन आर टू ब्लेम, कि अगर मैं ये कहूँ कि वीमेन ही दोषी हैं, पास ओवर दैट, तो इस बात को अगर बुरा लगे तो पास ओवर कर दीजिए, भूल जाइए। आई ओनली स्पीकिंग गेम, मैं केवल मजाक में ये कह रहा हूँ। रीड द अथॉरिटीज टू नो अबाउट व्हाट हैज बीन सेड ऑफ वन, और कराए अगर नहीं विश्वास तो आप खुद ही महान लोगों की किताबों को पढ़ें और आप देखेंगे कि वुमेन के बारे में क्या कहा गया है। यू विल फाइंड आउट, आप खुद उस पता लगा लेंगे। देर आर द कॉक्स वर्ड्स एंड नॉट माइन, और ये जो शब्द बोले गए हैं मैंने नहीं कहा, ऊपर में जो शब्द है कभी कह रहे हैं कि मुर्गे ने कहा। आई एम गिविंग आई थिंक नो हार्म ऑफ एनी ह्यूमन लिविंग, मेरा कोई विचार औरतों को बदनाम करने का नहीं है। मेरिली इन हर डस्ट बाट इन द सैंड ले परचलट, खुशी खुशी जो परचलट है वो सन बात ले रही है, और यहाँ पर डस्ट बात भी ले रही है, सैंड में पड़ी हुई है। हर सिस्टर्स वेयर एट हैंड बास्किंग सन, है ना, और उसके जो सिस्टर्स हैं वे भी सन का मजा ले रही है। सॉन्टिकलर सेंग फ्री, सॉन्टिकलर स्वतंत्र रूप से गा रहा है। मोर मेरिली देन ए मरमेड इन द सी, इतना खुश है वो कि समुद्र में रहने वाली जो मरमेड है उससे ज्यादा खुशी उसकी है। फॉर फिजियोलॉजिस्ट रिपोर्ट्स द थिंग एंड सेज हाउ वेल एंड मेरिली द सिंग, जो फिजियोलॉजिस्ट है वो कहते हैं कि मरमेड जो है काफी अच्छा और मीठा गाती हैं, लेकिन उससे कहीं अच्छा सॉन्टिकलर गा रहा है। एंड सो इट हैपेंड एज ही कास्ट हिज आई टूवर्ड्स द कैबेज एट अ बटरफ्लाई, गाते समय जब उसने देखा कैबेज की ओर जहाँ पर एक बटरफ्लाई थी, इट फेल अपॉन द फॉक्स देयर लाइंग लो, अचानक उसकी नज़र पड़ी कि कैबेज के पास फॉक्स झुक कर बैठा हुआ है। गॉन वॉज ऑल इंक्लिनेशन देन टू क्रो, उसको देखते ही जो उसका गाने का जो बोल थे तुरंत का तुरंत रुक गए। कॉक कॉक ही क्राइड, उसके बदले वो रोना स्टार्ट कर दिया, चिल्लाना स्टार्ट किया, गिविंग अ सडन स्टार्ट एज वन हु फील्स अ टेरर एट हिज हार्ट, और उसका दिमाग में तुरंत ही टेरर महसूस होना शुरू हो गया। फॉर नेचुरल इंस्टिंक्ट टीच बिस्ट टू फ्ली द मोमेंट दे परसीव एनिमी, क्योंकि सारे जीव जंतुओं में, मनुष्यों में एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है कि किसी भी जानवर को, पशु को, पाशविक कोई वस्तु है, जीव है, उसको देखते ही जैसे ही वो अपने को देखता है उसे दुश्मन समझ लेता है और भागने का प्रयास करता है। दो दे हैड नेवर मेट विद बिफोर, हालांकि उसने इस जीव को कभी नहीं देखा, इसके बावजूद भी किसी एनिमी टाइप जीव को देखते ही पशुओं में ये एक इंस्टिंक्ट आ जाता है कि वो भागने को उद्धृत हो जाते हैं। दिस सॉन्टिकलर वॉज सेकेंड टू द कोर एंड वुड हैव फ्लेड, और सॉन्टिकलर जो है कोर तक हिल गया,
उसका बोटी बोटी हिल गया डर से, आतंक से, एंड वुड हैव फ्लैड, और वो भाग जाता, किंतु द फॉक्स वाज क्विक टू से, लेकिन फॉक्स उसे देखते ही बोला। अब देखिए फॉक्स उसको किस तरह से मोहित कर रहा है, सर विदर सो फास्ट अवे, कहाँ इतनी तेज से भागे जा रहे हो, आर यू अफ्रेड ऑफ मी, क्या तुम मुझसे डरते हो, दैट आई एम योर फ्रेंड, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ भाई, अ फाइन और वर्स आई शुड बी टू इंटेंड यू हार्म, हाँ अगर मैं कोई फाइंड होता, कोई शैतान होता और उससे भी घटिया कोई चीज होता, तो मेरा इरादा रहता तुम्हें हार पहुंचाने का, और प्रैक्टिस विलनली अपॉन यू, या तुम्हारे साथ मैं दुष्टता वाला खेल खेलता, डियर सर आई वॉज नॉट इवन स्पाइंग ऑन यू, अरे मैं तुम्हें वॉच भी नहीं कर रहा था भाई, ट्रूली आई केम टू डू नो अदर थिंग, सच में मैं कुछ और करने नहीं आया था देन जस्ट टू लाई, केवल यहाँ पर पड़े रहने के लिए आया था, एंड लिसन टू यू सिंग, और तुम इतना अच्छा गाते हो, तुम्हें सुनने को मैं आया था, यू हैव एज मेरी अ वॉइस एज गॉड हैज गिवन टू एन एंजल इन द कोर्ट्स ऑफ हेवन, देखिए किस तरह से वो उसे लुभा रहा है, कह रहा तुम्हारा वॉइस इतना मीठा है जितना कि स्वर्ग में रहने वाली अप्सराओं का आवाज, जिसे भगवान ने प्रदान किया है, टू डैट यू एड अ म्यूजिकल सेंस एज ए स्ट्रॉन्ग एज हैड बीटल्स हु वाज स्किल्ड इन सॉन्ग, तू म्यूजिकल में, तू म्यूजिक में इतना अच्छा सेंस जोड़ते हो, ये भाव देते हो जैसा कि बीटल्स, जो कि गाने में स्किल्ड था, बस उस लेवल का तुम गायक हो, माय लॉर्ड योर फादर गॉड रिसीव हिज सोल, हे भगवान योर मदर टू हाउ कोटली दैट व्हाट कंट्रोल, तुम्हारी माँ भी कितना अच्छा गाती थी, कितना कंट्रोल के साथ, हैव ऑनर्ड माई पुअर हाउस, उसने मेरे घर में भी गाना गाया था, टू माई ग्रेट ईज, मुझे प्रसन्न करने के लिए, एंड यू सर टू आई शुड बी ग्लेड टू प्लीज, और तुम भी उसी तरह से गाते हो, मैं खुश हो जाऊंगा यदि तुम दोबारा वो गाना सुनाओ, फॉर व्हेन इट कम्स टू सिंगिंग, जहां तक गाने की बात है, आई विल से दिस, मैं ये स्पष्ट कहूंगा, एल्स मे दिस आइज ऑफ माइन बी बार्ड फ्रॉम ब्लिस, अगर मैं सच ना कहूं तो मेरी आंखों की रोशनी चली जाए, देयर नेवर वॉज ए सिंगर आई वुड रादर हैव हर्ड एट डॉन देन योर रेस्पेक्टेड फादर, मैंने जिंदगी में कभी भी इतना ग्रेट गायक नहीं देखा जैसा तुम्हारा रेस्पेक्टेड फादर, जो सुबह सुबह कॉक कॉक करते थे, ऑल दैट ही सेंग केम वेलिंग फ्रॉम हिज सोल, वो इतना शानदार गाते थे जैसे लगता था आत्मा उड़ेल दे रहे हो उस गाने में, एंड हाउ ही पुट हिज वॉइस अंडर कंट्रोल, इसके बावजूद भी अपने वॉइस पर काफी नियंत्रण था उनका, द पेन्स ही टुक टू कीप हिज आइज टाइट शट इन कंसंट्रेशन, और दुख में वो अपनी आंखें, यानी दुखी वाला गाना गाते समय अपनी आंखें जोर से बंद कर लेते थे ताकि वो ज्यादा से ज्यादा कंसंट्रेट कर सकें, देन द टिप टो स्ट्रट, है ना, और अपने टिप टो को वो स्ट्रट यानी खड़ा रखते थे, द सिलेंडर नेक स्ट्रेच्ड आउट, और उसके जो पतले सीधे जो गर्दन थे वो बाहर की ओर निकल जाता था, द डेलिकेट बेक, और मुझे याद है उसके प्यारी सी चोंच, नो सिंगर कुड अप्रोच हिम इन टेक्निक और राइवल हिम इन सॉन्ग स्टिल लेस सरपास, कोई भी सिंगर उनके गाने के टेक्निक में या उसके सॉन्ग में कोई राइवल प्रतिद्वंदिता भी नहीं कर सकता था, स्टिल ले सरपास, उनको इनके सिंगिंग को पास करने का तो बात ही दूर की है, आई हैव रेड द स्टोरी इन बर्नल द एस, मैंने किताब पढ़ी है बर्नल द एस, उसमें कहानी पढ़ी, अमंग सम अदर वर्सेस ऑफ ए कॉक, है ना, बहुत सारे गीतों में ऑफ ए कॉक, उस कहानी में बताया गया है एक ऐसे कॉक के बारे में, हुज लेग इन यूथ वॉज ब्रोकन बाय अ नॉक अ क्लर्जी मैन्स सन हैड गिवन हिम, एक ऐसे कॉक के बारे में जब युवा था तभी उसके जो एक पैर थे तोड़ दिया गया था एक क्लर्जी मैन के बेटे के द्वारा, एंड फॉर दिस ही मेड द फादर लूज हिज बेनिफिट्स, और इसी कारण से उसके पिता को, उस लड़के के पिता को अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी, बट सटली देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन द सटलिटी ऑफ सच ए वन एंड द डिस्क्रिशन ऑफ योर फादर्स आर्ट एंड विजडम, लेकिन ये बात सर्वथा निश्चित है कि तुम्हारे पिताजी का जो आर्ट था
उसकी सटलिटी, सूक्ष्मता और उनका जो स्वभाव, उनके जो आर्ट थे गाने का, उनके बुद्धि का कोई मुकाबला नहीं। ओह फॉर चैरिटी ऑफ हार्ट, एक काम कर, चैरिटी के नाम से सही, कैन यू इम्यूलेट योर सायर एंड सिंग, क्या तुम अपने फादर जैसा ही नकल कर गा सकते हो। दिस सॉन्टिकलर बिगेन टू बीट अ विंग, यह सुनते ही सॉन्टिकलर अपने पंखों को पीटने लगा। एज वन इनकैपेबल ऑफ ए स्मेलिंग ट्रीजन, है ना, इस तरह से वो फूल गया कि वो इस ट्रीजन, इस धोखा को सूंघ ना पाया। सो होली हैड दिस फ्लैटरी रेविस रीजन, इतना फ्लैटरी यानी इस प्रकार से फॉक्स ने जिस प्रकार से उसका फ्लैटरी किया है, उसका भाव बढ़ाया है, उसकी चमचागिरी की है कि उसके जो बुद्धि थे वो नर्वस हो गया। अलास माई लॉर्ड्स, देयर्स मेनी अ सिकफेंट एंड फ्लैटरर दैट फिल योर कोर्ट्स विद कैंट एंड गिव मोर प्लेजर विद देयर जील फॉर सूथ देन यू स्पीक्स इन सॉवरनेस एंड ट्रूथ। यहाँ पर कवि कहते हैं कि हे भगवान, ऐसे कितने सिकफेंट हैं, सिकफेंट बोले तो चमचे हैं, फ्लैटरर हैं जो लगातार आपकी झूठी मूठी प्रशंसा करते हैं, जो आपके आसपास भटकते रहते हैं और आपको आनंद प्रदान करते हैं, हालांकि वो अपने उत्साह में सच्चाई बयान नहीं करते। लेन ही स्पीक्स इन सॉबरनेस एंड ट्रूथ, और उसे ज़्यादा वैल्यू देते हैं उन लोगों से ज़्यादा जो कि गंभीर रूप से और सच्चाई बयान करते हैं। रीड व्हाट एक्सलेस्टिकस रिकॉर्ड्स ऑफ फ्लैटरर्स, ये किताब पढ़ें आपको पता चलेगा, ये पूरा रिकॉर्ड है फ्लैटरर लोगों के बारे में। वर ट्रीचरी माई लॉर्ड्स, जहाँ सिर्फ और सिर्फ धोखा है। दिस सॉन्टिकलर स्टूड हाई अपॉन हिज टोज, सॉन्टिकलर फूल के गुप्पा हो गया और वह अपने टोज पर पूरा टाइट से खड़ा हो गया। He stretched his neck, अपने गर्दन को बाहर फैलाया, सीधा किया। His eyes began to close, आंखें उसने बंद करना शुरू कर दिया। His beak to open, मुंह खोलना शुरू किया। With his eyes shut tight, अब आंखें पूर्णतः टाइटली बंद है। He then began to sing with all his might, पूरी ताकत से उसने गाना शुरू किया। यही तो चाहता था वो फॉक्स कि वो आंखें बंद करे और उसे वो पकड़ ले। सर रसल फॉक्स, फॉक्स का यह नाम है, फॉक्स का ये नाम है, रसल फॉक्स लिप्ट इन टू अटैक, अटैक करने के लिए उछला। ग्रैबिंग हिज गॉर्ज, उसके गर्दन को पकड़ा। ही फ्लंग हिम ओवर हिज बैक, और अपने पीठ पर उसे उठा लिया। एंड ऑफ ही बोर हिम टू द वुड्स, और जंगल की तरफ भागा चला गया। द ब्रूट, वह पशु। एंड फॉर द मोमेंट देयर वॉज नो परसुइट, और कुछ क्षण के लिए कोई उसका पीछा भी न किया। ओ डेस्टिनी दैट मे नॉट बी इवेडेड, अरे विधाता का जो विधान है उससे कोई इवेड बच नहीं सकता। अलास दैट सॉन्टिकलर हैड सो पैरेडेड, काश सेंटिकलर इस बात को समझ पाता। अलास दैट ही हैड फ्लॉन डाउन फ्रॉम द बीम्स, है ना, काश वो अपने नेश से नीचे ना उतरा होता। ओ दैट हिज वाइफ टुक नो अकाउंट ऑफ ड्रीम्स, काश उसकी पत्नी उसके सपनों को महत्व देती। एंड ऑन अ फ्राइडे, और शुक्रवार के दिन, टू रिक्स देयर नेक्स, उसने अपने गर्दन को रिक्स में ना डाला होता। ओ विनस गॉडेस ऑफ जॉयज ऑफ सेक्स, विनस जो प्रेम की देवी है। सिंस सॉन्टिकलर दाई मिस्ट्रीज प्रोफेस्ट एंड इन दाई सर्विस ऑलवेज डिड हिज बेस्ट, क्योंकि सॉन्टिकलर तुम्हारा सेवा करता था, क्योंकि वो हमेशा उसी प्रकार से प्रेम करता था जिसकी देवी आप हो। एंड फॉर प्लेजर देन टू मल्टीप्लाई हिज काइंड, ऑन दाइन वन डे इज ही टू डाई, आनंद में वो कई गुना आनंद लेता था कि आप देवी के चलते क्या वो मर जाएगा। ओ जॉफ्रे दाउ माय डियर एंड सॉवरेन मास्टर, ओ जॉफ्रे मेरे प्रिय और शक्तिशाली मालिक, हु when they brought King Richard to disaster and shot him dead, जिसने जब लोगों ने King Richard को disaster पीड़ा पहुंचाया और उसे मार दिया, lamented so his death, और उसी प्रकार से जोफ्रे ने उसकी मृत्यु पर कविता लिखी। Would that I had thy skill, काश मेरे पास भी जोफ्रे का स्किल होता। Thy gracious breath, तुम्हारे सुंदर सांसें होती। टू चाइड ए फ्राइडे हाफ सो वेल एज यू, कम से कम उस शुक्रवार को मैं
तुम्हारा इतना नहीं तो तुम्हारे हाफ, तुम्हारे आधे बराबर तो मैं कोसता। फॉर ही वॉज किल्ड अपॉन ए फ्राइडे टू, क्योंकि वो भी शुक्रवार के दिन ही मारा गया। देन आई कुड फैशन यू ए रेफोस्टी फॉर सॉन्टिकलर डेड एन एगोनी, तो शायद मैं भी तुम्हारे जैसा ही सॉन्टिकलर रेफोस्टी एक कविता गाता जब सॉन्टिकलर ड्रेड पीड़ा में और दुख में पहुंचा। कभी आगे कहते हैं, श्योर नेवर सच ए करार लेमेंटेशन वॉज मेड बाय लेडीज ऑफ हाई ट्रोजन स्टेशन। अब कभी इसको एपिक जैसा बनाने का कोशिश कर रहे हैं, छोटी सी घटना को देखिए उनका स्टाइल। श्योर नेवर सच ए क्राय और लेमेंटेशन वॉज मेड बाय लेडीज ऑफ हाई ट्रोजन स्टेशन, है ना। आपने इलियड पढ़ा होगा कि ट्रोजन वॉर में ट्रोजन जो ट्रॉय था उसको ध्वस्त कर दिया गया, तो आप अंदाजा लगाइए जब पूरा ट्रॉय को ध्वस्त किया गया होगा उस समय कितनी महिलाएं जोर जोर से रो रही थी। लेकिन उससे भी तुलना करते हुए कहते हैं कि ऐसा क्राय, ऐसा विलाप जैसे मुर्गे मुर्गियों ने चिल्लाया कभी सुना ही नहीं गया ट्रॉय में भी। When Ilium fell and Pyrrhus with his sword grabbed Priam by the beard, जब इलियम हार गया और पायरस ने ट्रॉय के राजा प्रेम को दाढ़ी से पकड़ लिया, देयर किंग एंड लॉर्ड एंड स्ली हिम देयर एज द एनेटेस, और एनेट के अनुसार उसके किंग को उसने मौत के घाट उतार दिया। फिर भी लोग इतना जोर से नहीं क्राय किए थे। एंड व्हाट वाज अटर्ड बाय दोज हेंस, और जितना कि वो मुर्गियां सात पत्नियां चिल्लाई, द रेल सरपास देम ऑल पालपेटिंग फियर व्हेन दे बिहेल्ड द रैप ऑफ सॉन्टिकलर। उनकी चिल्लाहटें, वे मुर्गियों की चिल्लाहटें इतना जोर जोर से था, इतने ज्यादा फियर उत्पन्न किया जब उसने सॉन्टिकलर की हत्या होते देखी। देम पटलेट एमिटेड सॉवरेन श्रिक्स दैट इकोड अप इन एंग्वेज टू द पिक्स लाउडर देन दोज एक्सटॉर्टेड फ्रॉम द वाइफ ऑफ हेड्रुसबल, है ना। डैम पेट्रोल, उसके मुख से इतना जोर से चिल्लाहट निकला कि वो इको साउंड के रूप में पूरे वातावरण में फैल गया। और हेड्रुसबल जो कि व्हेन ही हैड लॉस्ट हिज लाइफ, जब वो मारा गया तो उसकी पत्नी भी इतना जोर से नहीं चिल्लाई होगी। एंड कार्थेज ऑल इन फ्लेम एंड एसेज ले, और कार्थेज जब अपने एसेज में राख में पड़ा हुआ जल रहा था, She was so full of torment and dismay, वो इतनी पीड़ा से, इतनी हताशा से, इतना आतंक से वो भर गई, कौन, पटलेट, that in the very flames, sorry, उसकी पत्नी, in the very flames she chose her part and burned to ashes with a steel pot, कि उसकी पत्नी ने उसी अग्नि में जिसमें उसका हस्बैंड जल रहा था खुद को आग के हवाले कर दी। ओ वूफुल हेंस, ओ कष्ट पूर्ण मुर्गियां, लाउडर योर श्रीक्स एंड हायर देन दोज ऑफ रोमन मैट्रॉन्स, तुम तो उन रोमन महिलाओं से भी ज्यादा जोर से चिल्लाई। व्हेन द फायर कंज्यूम देयर हस्बैंड्स, जब आग ने उनके हस्बैंड्स को निगल लिया, सीनेटर्स ऑफ रोम, कौन से हस्बैंड, जो रोम के सीनेटर थे, एमपीज थे। व्हेन नीरो बर्न देयर सिटी एंड देयर होम, जब नीरो जिसने रोम पर अटैक किया था उनके शहर को उनके घर को जला दिया, बियॉन्ड अ डाउट दैट नीरो वाज देयर बेल, उस समय नीरो खुद ही एक बेल के रूप में प्रस्तुत हुआ। बेल गठरी होती है किसी भी प्रकार के फसल का जो कि बहुत तेज से जलता है। नाउ लेट मी टर्न अगेन टू टेल माई टेल, चलो मैं फिर से वापस अपनी कहानी पर आ जाऊं, क्योंकि कभी कह रहे कि कभी कभी भटक जाता हूं। एक्चुअली एपिक में बड़ी लंबी कविताओं में कवि का आदत है कि वो हमेशा बहुत तरह का चीज़ों का प्रयोग करते हैं, जिसे हम लोग फिगर्स ऑफ स्पीच कहते हैं, लिटरेरी डिवाइसेस कहते हैं, ताकि उनकी कविता उच्च कोटि की हो। खैर वापस आते हैं, तो जो ही मुर्गे को लेकर के फॉक्स भागा तो विधवा जिसके हुए मुर्गे थे, याद कीजिए शुरुआत में पार्ट वन में, और उसकी दो बेटियां, हर्ड ऑल दिस हेंस इन क्लेमर एंड हैलू, जब उन्होंने सुना ये मुर्गियां बहुत जोर से चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, एंड रशिंग टू द डोर एट ऑल दिस श्रीकिंग, वे दरवाजे पर पहुंचे, देखे सारे लोग चिल्ला रहे हैं, दे सॉ द फॉक्स टूवर्ड्स द कवर्ट स्ट्रीकिंग, उन्होंने देखा कि फॉक्स जो है झाड़ियों की ओर तेज से जा रहा है, एंड ऑन हिज शोल्डर
सॉन्टिकुलर स्ट्रेस फ्लैट और उसके कंधे पर सॉन्टिकुलर फ्लैट पड़ा हुआ है। लुक लुक दे क्राइड, वो चिल्लाए देखो देखो, ओ मर्सी हे भगवान, लुक एट दैट, इसे तो देखो, हा हा द फॉक्स, अरे लोमड़ी लोमड़ी, एंड आफ्टर हिम द रेन, और उस लोमड़ी के पीछे वे लोग दौड़ पड़े। एंड स्टिक इन हैंड ए रेन मैनी सर्विंग मैन, और उसके बहुत सारे नौकर हाथों में स्टिक लिए डंडा लिए, रेन कॉल आवर डॉग दौड़ पड़े, कुत्ता दौड़ पड़ा, टेलबॉट दौड़ पड़ा, ये सब जानवर का नाम है, ब्रेन शेगी, ये चारों कुत्ते दौड़ पड़े। एंड विद अ डिस्टाफ इन हर हैंड रेन मैगी, और मैगी जो उसकी बेटी थी वो हाथ में हसूल, हसूल होता है एक प्रकार का घास काटने का सामान, उसे लेके दौड़ पड़ी। रेन काओ गाय दौड़ पड़ी, काप उसके बच्चे दौड़ पड़े, रेन द वेरी हॉग्स, यहां तक कि सुअर भी दौड़ पड़े। इन टेरर एट द बार्किंग ऑफ द डॉग्स, और कुत्ते आतंक से जोर जोर से भौंकना शुरू हो गया। द मैन एंड द वुमेन शाउटेड, औरतें नारियां पुरुष सारे चिल्लाने लगे, रेन एंड कस दौड़ रहे हैं, गाली बक रहे हैं। दे रेन सो हार्ड दे थॉट देयर हार्ट शुड बस्ट, इतना जोर से वे दौड़े जैसे कि लग रहा हो कि उनका जो हार्ट है यानी कि बर्स्ट फट पड़ेगा। दे येल्ड लाइक फाइंड्स इन हेल, वे लोग नरक में रहने वाले शैतानों की तरह चिल्लाने लगे। डक्स लैप्स देयर वाटर, उनके डर से जो बत्तख थे वे पानी से बाहर निकल गए। क्वैकिंग एंड फ्लैपिंग एज वन पॉइंट ऑफ स्लॉटर, वो इस तरह से चिल्लाने लगे, पंख फड़फड़ाने लगे जैसे उनका हत्या किया जाने वाला है। अब फ्लू द गीज इन टेरर ओवर द ट्रीज, और गीज जो बत्तख के जैसा एक प्राणी है, चिड़िया है, वो डर से इतना दूर ऊपर उड़ गई कि पेड़ पर चढ़ गई। आउट ऑफ द हाइव केम फॉर द स्वर्म ऑफ बीज, आनंदित कर दिया भाई, और मधुमक्खियां भी अपने हाइव से घोंसले से बाहर निकल पड़ी। सो हेडियस वॉज द नॉइज, इतना भयंकर आवाज वो था। गॉड ब्लेस अस ऑल, जैक स्ट्रॉ गधा एंड ऑल हिज फॉलोवर्स इन देयर ब्रॉल वेयर नेवर हाफ सो श्रील फॉर देयर नॉइज, गधे और उसके जो और भी साथी थे वे लोग इतना कभी चिल्लाए नहीं थे जितना आज। वेन दे वेर मर्डरिंग दोज फ्लेमिश बॉयज, और जॉक स्ट्रॉ जब उस बच्चे को मर्डर हो रहा था, एज द डे इज ही वन क्राई अपॉन द फॉक्स, जैसा कि यह फॉक्स, ये बीच बीच में भिन्न प्रकार की कहानियां चौसर ले आते हैं जो कि जो इंग्लिश ऑनर्स के स्टूडेंट्स हैं उन्हें समझ में नहीं आता। इसका कारण है कि बहुत सारी किताबें हैं इंग्लिश में जहां से एक तरह का आप कह सकते हैं कि बिकॉज ऑफ कंपैरिजन वो कहानी को लाया जाता है। दे ग्रैब्ड अप ट्रम्पेट्स मेड ऑफ ब्रास एंड बॉक्स, उन लोगों ने फॉक्स को डराने के लिए एक ट्रम्पेट यानी बाजा चिलगोजा तुरही जो कि ब्रास और बॉक्स से बना था उससे वो लोग, ऑफ हॉर्न एंड बोन कुछ हड्डी से बना था है ना, कुछ सिंग से बना था, ऑन विच दे ब्लू एंड पुप्ड, उसी से वे लोग जोर जोर से आवाज करने लगे। एंड देयर विद ऑल, उसके बाद दे शाउटेड चिल्लाने लगे, एंड दे हुप्ड हुप हुप करना शुरू किए, सो दैट इट सीम द वेरी हेवन शुड फॉल, इतना जोर से हल्ला करना शुरू किया उन लोग इस बाजे गाजे के साथ कि लगा कि जैसे आसमान भी फट पड़ेगा। एंड नाउ गुड पीपल पे अटेंशन ऑल, और अब अच्छे लोग ध्यान दें। See how damn fortune quickly changes side, देखिए कैसे भाग की देवी अपना साइड चेंज करती है। And robs her enemy of hope and pride, और इस प्रकार चेंज करती है साइड कि वो एनिमी की सारी आशाएं और उसके सारे ईगो को छीन लेती है। कौन? भाग की देवी। This cock that lay upon the fox back, ये कॉक जो कि फॉक्स के बैक पर लेटा हुआ था, इन ऑल हिज ड्रेड कंट्राइव टू गिव अ क्वैक एक्सेड, वो डर के मारे लेटा हुआ था कि तभी वो कंट्राइव किया, थोड़ा सा बुद्धि लगाया और क्वैक क्वैक कहते हुए फॉक्स को बोला, सर फॉक्स इफ आई वर यू, फॉक्स महाशय फॉक्स, अगर मैं आपकी जगह होता, एज गॉड्स माय विटनेस, और भगवान मेरा विटनेस देखे, आई वुड राउंड अपॉन दीज क्लॉड्स एंड साउट, मैं इस क्लॉड्स को राउंड कर लेता और चिल्लाता, मैं आपकी जगह होता तो मैं ये कहता, क्या कहता, टर्न बैक यू सॉसी बमकिंस ऑल, अ वेरी पेस्टिलेंस अपॉन यू फॉल, कि ओ वापस चले जाओ सारे बमकिंस, ये गाली है, अ वेरी पेस्टिलेंस अपॉन यू फॉल,
भगवान करे तुम पर पेस्टिलेंस यानी महामारी फैल जाए। नाउ दैट आई हैव इन सेफ्टी रीच द वुड डू व्हाट यू लाइक, है ना। मैं ऐसा कहता लेकिन मैं क्या ऐसा कह रहा हूं, अब देखो मैं सुरक्षा से जंगल में पहुंच चुका हूं, इसलिए डू व्हाट यू लाइक, जो करना चाहो कर सकते हो। द कॉक इज माइंड फॉर गुड, क्योंकि आप कहोगे कि अब कॉक तो मेरा हुआ, अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता, मैं इसे जंगल में ले आया हूं, अब सेफली है ये, मेरा सब कुछ सेफ है, है ना। आई विल ईट इन देयर इन स्पाइट ऑफ एवरीवन, चाहे कोई भी कितना भी हल्ला करे मैं इसे आराम से खाऊंगा, अगर मैं तुम्हारी जगह होता। मतलब अब क्यों दौड़ रहे हो भाई, जंगल तो घुस गए। द फॉक्स रिप्लाइंग, उसका मेन मकसद था कॉक का, क्योंकि कॉक की गर्दन फॉक्स पकड़े हुए था, इसलिए उसका मेन मकसद था कि मैं कुछ ऐसा बोलूं कि फॉक्स कुछ बोले, और जैसे ही कुछ बोलेगा उसका मुंह खुलेगा और मैं बाहर निकल जाऊंगा। वो कौवे वाले जो रोटी लेके भागा था वही कहानी है थोड़ा सा इसमें। फेथ इट शैल बी डन, फॉक्स बोला भरोसा रख यही होगा, अर्थात मैं तुम्हें खाऊंगा ही खाऊंगा। ओपन हिज माउथ एंड स्पोक, वह मुंह खोला बोला। द निम्बल बर्ड, वह कमजोर चिड़िया यानी कॉक, ब्रेकिंग अवे अपॉन द अटर्ड वर्ड, बोलते ही उसका मुंह से छूट पड़ा। फ्लू हाई इनटू द ट्री टॉप्स ऑन द स्पॉट, उसी स्थान पर पेड़ों के फुनगी पर वह चढ़ गया कॉक यानी सॉन्टिक्लर। एंड व्हेन द फॉक्स परसीव वेयर ही हैड गॉट, जब फॉक्स ने देखा कि अरे भाई वो तो कहां चला गया, अलास ही क्राइड, फिर उसने बहाना मारा, बोला अलास माई सॉन्टिक्लर, आई हैव डन यू ग्रीवस रॉन्ग, मैंने बहुत बुरा कार्य तुम्हारे साथ किया है। इंडीड आई फियर आई मस्ट हैव फ्राइटेंड यू, शायद मैं तुम्हें बहुत ज्यादा डरा दिया। आई ग्रैब टू हार्ड व्हेन आई टुक होल्ड कॉट होल्ड एंड टुक यू फ्रॉम द यार्ड, शायद मैं जब तुम्हें यार्ड से चुरा के लाया तो बहुत जोर से पकड़ लिया होगा, है ना। बट सर आई मीन नो हार्म, लेकिन मेरा इरादा तुम्हें हानि पहुंचाने का नहीं है, नहीं था। डोंट बी ऑफेंडेड, कृपया बुरा ना मानो, कम डाउन नीचे आ जाओ, एंड आई विल एक्सप्लेन व्हाट आई इंटेंडेड, मेरा क्या इरादा था, क्यों मैं तुम्हें यहां लाया वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। सो हेल्प मी गॉड आई विल टेल द ट्रूथ, हे भगवान मैं कसम खाता हूं मैं सच बोल रहा हूं। नो सेड द कॉक, बोला ना मुर्गे ने कहा। एंड कर्सेज ऑन अस बोथ, दोनों हम दोनों पर अभिशाप पड़े। एंड फर्स्ट ऑन मी, पहला अभिशाप हम पर पड़े। इफ आई वेयर सच ए डंस, कि मैं इतना ढक्कन था। एज लेट यू फूल मी ऑफनर देन वंस, कि दोबारा मैं इतना ढक्कन थोड़ी हूं कि मैं दोबारा तुम्हारे द्वारा मूर्ख बनाया जाऊं। नेवर अगेन, दोबारा फिर कभी नहीं। फॉलो योर फ्रेटिंग लाइज, मैं जानता हूं तुम कितना झूठ बोलते हो। यू विल कॉक से सॉन्ग टू मेक मी ब्लिंक माई आईज, तुम फिर से मुझे कॉक्स फुसलाओगे गाना गाने के लिए और मैं अपनी आंखें बंद कर लूंगा। एंड एज फॉर दोज हु ब्लिंक व्हेन दे शुड लुक, और याद रखो जब लोगों को देखना चाहिए और उस समय वो आंखें बंद कर ले, गॉड ब्लॉट देम फ्रॉम हिज एवर लास्टिंग बुक, तो कि भगवान भी अपनी किताब से, जीवन की किताब से उस व्यक्ति को हटा देते हैं। ये कहानी में शिक्षा दे रहा कि जब लोगों को आंखें खोल लेनी चाहिए उस समय आंखें बंद कर लें तो भगवान भी उसे बचा नहीं सकता। ने रेदर सेड द फॉक्स, सेड फॉक्स ने कहा नहीं नहीं ऐसा बात नहीं है। हिज प्लेग्स बी फ्लंग ऑन ऑल हु चैटर दैट शुड होल्ड देयर टंग, कि पेस्टिलेंस महामारी उन लोगों पर पड़े जो हमेशा बकबक करते हैं, जिस समय उन्हें अपनी जुबान बंद रखनी चाहिए। लो और देखो, सच इट इज नॉट बी ऑन योर गार्ड अगेंस्ट द फ्लैटरर्स ऑफ द वर्ल्ड और यार्ड। अब कवि यहाँ का इस पूरी कहानी का मॉरल बता रहे हैं कि जब अगर आप अपनी रक्षा खुद ना करोगे इस फ्लैटरर वाला दुनिया में, एंड इफ यू थिंक माई स्टोरी इज एब्सर्ड, कि अगर आपको लगता है कि मेरी कहानी ये एब्सर्ड है, बेकार है, अ फुल स्टिफल ऑफ ए बेस्ट एंड बर्ड, है ना, और कहोगे कि ये कहानी में सिर्फ छोटे मोटे जीव, चिड़िया, फेबल ऑफ ए फॉक्स, किसी फॉक्स की कहानी है, कॉक की कहानी है, हेन की कहानी है, टेक होल्ड अपॉन द मॉरल जेंटलमैन, तो कवि कहना चाहते हैं कि कहानी पर ध्यान मत दो बल्कि कहानी का मॉरल लो। मॉरल ये है कि किसी पर आंखों देखा विश्वास नहीं करनी चाहिए, और दूसरी बात फ्लैटरी को समझना चाहिए। सेंट पॉल हिमसेल्फ, सेंट पॉल खुद अ सेंट ऑफ ग्रेट डिसर्निंग, बहुत बुद्धिमान व्यक्ति,
says that all things are written for our learning. वो कहते हैं कि सारी चीजें लिखी जाती है हमारे ज्ञान के लिए. So take the grain and let the sap be still. इसलिए आपको जो फायदेमंद का चीज है वो ले लो, बाकी चीजें छोड़ दो. ये यहाँ पर फ्रेज idioms डाला है. And gracious father, भगवान, if it be thy will, अगर आपकी इच्छा हो, as saith my savior, जैसा कि savior यानी जीसस ने कहा था, make us all good men, आप हमें हम सबों को अच्छे व्यक्ति बना दे. father, और दयालु भगवान, if it be thy will, as saith my savior, जैसा कि जीसस ने कहा था कि आप चाहें तो मेक अस ऑल गुड मैन, हमें लोगों को अच्छे व्यक्ति बना दें. एंड ब्रिंग अस टू हिज हेवनली ब्लिस, और हमें उनका आशीर्वाद पहुंचाएं. और इस प्रकार से ये अंतिम पाठ समाप्त हो गया. मुझे इतना देर बर्दाश्त करने के लिए धन्यवाद. प्लीज मस्ट कॉमेंट, डू कॉमेंट्स. थैंक यू.